Yes, it is D-Day and first day एक Marvel movie को online spoilers देखने के पहले थिएटर में देखने का मजा ही कुछ और होता है But फिर भी I know बहुत से लोगों ने अभी तक movie नहीं देखी होगी तो उनके लिए thumbnail में photos मैंने blur रखे हैं And yes, इस movie में as expected भर भर के दिखे। तो उनका discussion भी होगा इस video में And no doubt काफी different ending रही है इस movie की एक ऐसी ending जहाँ villains literally short circuit होते हैं और heroes Marvel timeline के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखते हैं अब इतने सब में अगर मूवी देखने के बावजूद आप को एंडिंग नहीं समझ आई या फिर आप उनमें से हो जो स्पॉयलरस देखने के बाद ही मूवी देखना एंजॉय करते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो हाय सुपर फैंस आई एम स्वप्निल ये है डेडपूल एंड वुल्वेरीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड एंड वेट अ वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ फोर्थ वॉल तो डेडपूल ब्रेक करता है ना बट अब आ ही गया हो तो इस मूवी को लेके मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी दे देता हूँ मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक एक मास्टर पीस है डेट पुलबरी लगभग पच्चीस का एक सपना ही रह गया था ये फिल्म मल्टीवर्स का यूज करके इन दोनों को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में तो लाती ही है लेकिन साथ में क्रिएट करती है एक कॉमेडिकॉस नॉन मार्वल फैंस के लिए ये कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी बट देन ये एक बड़ी रोड ट्रिप टाइप मूवी है जो भरी हुई है मल्टीवर्सल

थोड़ा वीक बनाता है बट परफॉर्मेंस दोनों की जबरदस्त थी, and then और जितने भी हैं, सब अपने को जस्टिफाई भी and इस को अचीव करने में ये इस होती है। अब इस मूवी में जिस तरह से मार्वल मल्टीवर्स को यूज किया गया है शायद ये सभी को पसंद ना आए लेकिन मेरे लिए मूवी मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरी जरूर उतरी यानी कि बिल्कुल पैसा वसूल अब बैक वॉइस ओवर वाला अपने। I have no idea ये क्या हुआ But video continue करते हैं का और और वाला वीडियो कुछ दिन बाद में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो वीडियो नहीं करना है तो मतलब इस वीडियो में मैं कौन कौन मर गया इस की एंडिंग किस यूनिवर्स में हुई एंड ऑफ डेट एंड वोवरीन जो ऑफिशियली शामिल हो गए हैं एमसीयू में तो उनको लेके मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का अगला कदम क्या होगा एंड देन डिस्कस करेंगे की इस मूवी के मिड क्रेडिट सी

एंड वो अवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने को कहता है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है एंड अपनी लाइफ में कोई और पर्पज ना होने की वजह से वो डिप्रेस हो जाता है एंड इसी रीजन से उसकी एंड अफेक्ट होती है फिर वो सेपरेट हो जाते हैं देन साल गुजर जाते हैं और वो काम करता है अब पीटर के साथ एज अ सेकेंड हैंड कार सेल्समैन लेकिन उसके बर्थडे पार्टी वाले दिन आते हैं टीवी एजेंट्स जो उसे ले जाते हैं पकड़ के हेडक्वार्टर्स हैंडक्वार्ट वो मिलता है टीवी एजेंट पैराडॉक्स से जिसने टीवीए की हायर मैनेजमेंट के ऑर्डर की वजह से उसे अर्थ वन ट्रिपल जीरो फाइव यूनिवर्स से अर्थ सिक्स वन सिक्स में उसे शिफ्ट करने

एंड वो उसी मशीन के यूज से 72 के अंदर वेड की टाइम को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा इंक्लूडिंग ऑल द पीपल जो उसमें टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस चीन के जाता है मल्टीवर्सल टूर पे एंड हमें मल्टीपल यूनिवर्स जहाँ वो ढूंढता है एक ऐसे को, जिसे पकड़ के वो वापस ला पाए अपने में, ताकि उसका यूनिवर्स बच जाए अब यहाँ पे मल्टीपल क्राइस्ट की तरह सेक्रीफाइस किया गया है

ये पर्टिकुलर लोगन अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है उसकी पास्ट की कहानी आगे चल के पता लगती है बट बेसिकली उसने अपने यूनिवर्स में ड्रिंकिंग की की आदत वजह से एक्समैन को मरने दिया एंड जब ह्यूम ने उसकी एक्समैन टीम के मेंबर्स को मार दिया था वो एक मेंटल रेज में गया देन उसने सभी बुरे ह्यूमन के साथ अच्छे को भी मारा जिसकी वजह से वो भी डिप्रेस्ड है लेकिन यहीं पे पैराडॉक्स से वेड को पता चलता है की ये चीज वर्क नहीं करेगी एंड उसकी टाइम को ऐसे नहीं बचाया जा सकता पैराडॉक्स वेड और लोगन को प्रून करके भेज देता है वर्ल्ड में यहीं पे वेड और लोगन की फर्स्ट फाइट होती है जिसे रोकता है क्रिस इवेंट्स का क्या? America, नहीं नहीं कैप्टन नहीं, नहीं। अमेरिका नहीं यहाँ पे हमें दिखता है Torch, स्टॉम, टीम के के रूप में, ने, जो कैरेक्टर टू थाउजेंड फाइव में प्ले किया था उसी को दोबारा वो यहाँ प्ले करते हुए दिखते हैं बर्दन इन तीनों को कैप्चर करके ले जाया जाता है कैसेंडा नोवा के बेस पे जहा पे बहुत सारे कैमरोज में और कई एक्समैन दिखते हैं यही पे कैसे की बैक स्टोरी शॉर्ट में हमें पता चलती है की वो कॉमिक्स की तरह चार्ल्सियर की ट्विन सिस्टर थी जिसे पैदा होने के टाइम ही वार्ड में प्रून करके भेज दिया गया था उसके बाद से वो वार्ड को एक तरह से रूल कर रही है और ये सभी लोग उसके लिए काम करते हैं यहाँ वो इंस्टेंटली जॉनी को मार देती है एंड अलायथ जो की वॉर्ड में सभी प्रून चीजों को खा जाता है वेड और लोगन को उसे खाने के लिए छोड़ के निकल जाती है बट वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और मिलते हैं एक और डेड पुल वेरियंट हैंडसम पुल से जो उन्हें गाइड करता है वॉर्ड के बॉर्डर लैंड में जहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक रेजिस्टेंस की टीम जो उसके हिसाब से फाइट कर सकते हैं कैसेंड्रा नोवा और उसकी फोर्सेस के खिलाफ अब वेड और वोवरीन उसी कार ट्रिप से पहुंचते हैं इस लोकेशन पे एंड मिलते हैं एक रेजिस्टेंट ग्रुप से जिनमें चार कैम्यूज में चार न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं एक्चुअल में पुराने कैरेक्टर्स क्योंकि वापसी होती है सबसे पहले एक्स यानी कि एक्ट्रेस की लॉरा जिसे 11 साल की बच्ची के रूप में हमने देखा था लोगन मूवी में थर्ड इलेक्ट्रा जिसे प्ले करते दिखती है एक्ट्रेस जेनिफर गार्नर कैरेक्टर इन्होंने किया था टू थाउजेंड डेयर डेवल मूवी रोल एंड की अपनी इलेक्ट्रा से

पैराडॉक्स के थ्रू टाइम रिपर के बारे में उसे पता चलता है जिसको यूज़ करके वो हर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिससे कि उस तक पहुंचने से एंड देन क्लाइमैक्स में होती है एक ब्लडी फाइट जिसमें रीजनरेशन की वजह से इन सभी को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है बट लकीली पीटर आता है अपने पीटर सूट में और वेरियंट को हैपीली डिस्ट्रैक्ट करता है

होने के गिल्ड से वुल्वरिन जाना चाहता है ये करने एंड वो डेडपूल को अपनी फैमिली के पास जाने को कहता है अब एक पल के लिए लगता है कि डेडपूल मान जाएगा लेकिन देन वो लोगन के सैक्रिफाइस को इंटररप्ट करता है एंड खुद अंदर जाके बंकर को लॉक कर देता है और खुद को पावर सोर्सेस से जोड़ लेता है अब जब डेडपूल ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट होने लगता है एंड मोमेंट पे वुल्वरिन डोर तोड़ता है और डेडपूल का हाथ पकड़ता है ब्रिज को स्ट्रांग बनाते हुए प्लस यू जैकमैन का शर्टलेस सीन दिखाने के लिए व्हाट इज कनेक्शन से टाइम रिपर एक्सप्लोड हो जाता है एंड एसेन्ड्रा नोवा इसी

गैम्बिट और थ्री का क्या होता है इसको तो दिखाया नहीं गया अदर एक्स ट्वेंटी जो से ने रिक्वेस्ट की थी, तो हम गेस कर सकते हैं है, इस लोगन का क्या हुआ पूरा मल्टीवर्स बचाने के बाद वो दोनों साथ में श्वारा खाते हुए दिखते है, को बोलता है कि वो नहीं रुकने वाला एंड हम शायद उसे दोबारा नहीं देखेंगे अब डिजनी इस फ्रेंचाइजी का ओनर

ज बेसिकली यहाँ पे फॉक्स फ्रेंचाइजी को एक फाइनल गुड बाय के रूप में एक ट्रीब्यूट जिनमें ओल्ड एक्समैन के इलेक्ट्रा स्नाइप्स के ब्लेड एंड बहुत सारी कास्ट एंड क्रू के हंसी मजाक वाले मोमेंट्स थे मूवी के बिल्कुल एंड में आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जो थोड़ा अलग है यानी कि पिछली मार्वल मूवीज में जहाँ हर बार कुछ ना कुछ टीज किया जाता था फ्यूचर मूवीज के बारे में या आने वाले

Yes, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी ही आएगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अगर तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल्सो डोंट वरी ये एवरेज लुकिंग स्वप्निल बार बार ऐसे कैमियो नहीं करने वाला आपको वॉइस ओवर वाले वीडियो ही मिलेंगे प्लस फर्स्ट टाइम फेस रिबिल वाला वीडियो कर रहा था एंड सर्दी से मेरी हालत खराब तो आवाज वैसे ही थोड़ी चेंज लग बट मूवी देखने में मजा आया तो वीडियो बनाना जरूरी था बाकी के वीडियोज अगले दो तीन दिन में आ जाएंगे तो आई होप आप उन्हें भी एंजॉय कर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में